लोकतंत्र के जननी बिहार की भूमि पर विगत कुछ वर्षों से जनादेश का सम्मान और अपमान दोनों देख रहे हैं। जनादेश जिसके साथ हम प्राप्त करते हैं उसका अपमान कर लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाने का प्रयास करते हैं। संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद पर बैठे लोग का सम्मान संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करना ये हर भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। जब तक जो जिम्मेवारी जिस पद का मिले पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समर्पण भाव से हमें निभाना है। आपने देखा कि कल सदन आहूत हुआ, कार्य सूची हमने जो बनाया था पहला ये आप लोग के पास गया, जिसमें अध्यक्ष द्वारा प्रारंभिक संबोधन था, उसके बाद बिहार विधानसभा के समितियों के प्रतिवेदनों का सभा के समक्ष रखा जाना था। उसके बाद उस कार्यसूची को चेंज कर दिया गया, प्रतिवेदन को चौथा नंबर पर रखा गया। आसन और सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए आहूत सदन में हमने जो प्रतिवेदन लोगों के बीच गया उसी पर सदन को चलाया, क्योंकि संवैधानिक मर्यादा बनी रहे सदन की। बाकी प्रक्रिया आपने वहां देखा, हमारा संबोधन हुआ, नए अध्यासी सदस्य आए, फिर आगे की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की। नंबर पर जिसमें लिखा हुआ है कि बिहार विधानसभा की समिति के प्रतिवेदन का सभा के समक्ष रखा जाना, ये प्रतिवेदन क्यों नहीं रखा गया? हमारे नेता माननीय तारकिशोर जी और कई विधायकों ने उठ के बार बार आसन से आग्रह किया कि आप प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखवावें, उन्होंने नहीं रखा। आज हमने पुनः अध्यक्ष को लिखकर विधानसभा के और संबंधित सेक्रेटरी संसदीय कार्य मंत्री सबको हमने कहा, पत्र भेजा है कि कल के कार्यसूची में इसको जोड़ा जाए, क्योंकि ये मामला विधानसभा के अंदर आया था और घोटाला से संबंधित था। स्पेशल कमेटी बनी थी, विशेष कमेटी, उसकी रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखें ताकि सब लोग जाने, क्योंकि आपका मिशन है भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस। अगर जो हम पवित्र और आदर्श हैं तो सभा पटल पर इसको रखने में क्या हर्ज है? दूसरा प्रतिवेदन है आचार समिति का रिपोर्ट, जिसमें उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री के
के ऊपर कार्रवाई के लिए लिखा गया है। आप कहते हैं अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, अनुशासित संयमित न्याय के साथ विकास करेंगे, तो न्याय होनी चाहिए। जिसने भी संवैधानिक नियम को तार तार किया है, आसन को अपने पैरों तले रोंदा है, ऐसे लोगों को अगर जो सब कार्रवाई नहीं होती है, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा नहीं बचाई जाएगी, तो आप संवैधानिक पद पर बैठकर लंबी लंबी, मैं बताया आपको विशेष कमेटी के माध्यम से, सात निश्चय के तहत कौशल विकास का, बच्चों को कुशल करने का कार्यक्रम जो संस्था श्रम संसाधन विभाग से चलाई गई है उसके संदर्भ में था। दोनों विषय पर प्रतिवेदन कल आए, कल प्रतिवेदन वो रखें। बिहार के लोग प्रतीक्षा कर रहा है कि एक सशक्त विपक्ष मिलना चाहिए। मैं भरोसा दिलाता हूं कि सरकार के अच्छे कामों का और सरकार की घोषित नीति का, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस को प्रतिपक्ष उतारेगा जमीन तक, ब्लॉक से थाना तक, हर विभाग तक। मुख्यमंत्री जी, प्रतिपक्ष को आप सिर्फ ईमानदारी से उत्साहित करें, आपके नीति को भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का मैं संकल्प लूंगा। और इसकी शुरुआत, इसकी अग्नि परीक्षा कल के प्रतिवेदन से है। इस प्रतिवेदन को आप सभा पटल पर रखें, मिलेंगे। हमारा करनी कथनी में अंतर नहीं है, हम संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। आज आपने देखा कि जब हमारी अध्यक्षता की बात आई, विधानसभा के अध्यक्ष बनने के लिए लोग जानते थे कि मेरा बहुमत है, फिर भी लोगों ने उम्मीदवार खड़ा किया। चुनाव भी हुआ 52 वर्ष के बाद विधानसभा के अंदर, हम चुने भी गए। संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद पर बैठाने के लिए नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों आए, लेकिन कितना अच्छा माहौल होता कि अध्यक्ष किसी दल का नहीं होता है, अध्यक्ष सदन का अध्यक्ष है, उस पर सभी का अधिकार बराबर है। और हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि अध्यक्ष के उम्मीदवारी पर हम सर्वसम्मति बनाएंगे, हम भी सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। विधानसभा के अंदर अपने दलीय नेताओं के साथ सब लोगों के भाव को लेकर हम संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हैं, लेकिन संवैधानिक मर्यादाओं का वो उल्लंघन किस तरह से करते हैं, हमारे नेता विधान परिषद के वो डिटेल में बताएंगे। लोगों का विश्वास नहीं जगेगा। आज आप देखें कि संवैधानिक संस्थान के संदर्भ में कल सदन के अंदर क्या शब्दों का प्रयोग किया गया। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अपने पद की गरिमा का मर्यादा रखें, शालीनता के साथ भी अपनी बात को कही जा सकती है। मेरे मन के अंदर भी कई चोट लगा, सदन के अंदर संविधान के ज्ञाताओं ने संविधान का पाठ जिस तरह से पढ़ाने का प्रयास किए, हमने भी तो संयम रखा।
हमने उस पद की जो हमारे सदन के नेता थे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उनके सम्मान में कमी नहीं रखा। और ये व्यवस्था चलनी चाहिए, नेता प्रतिपक्ष हो या नेता सदन हो या हमारे माननीय मंत्री हो या हमारे विधायक हो, हर का सम्मान मर्यादा के तहत होनी चाहिए। उस सदन में न कोई बच्चा है, न ही कोई बड़ा है, न ही कोई भतीजा है, न ही कोई चाचा है, सब बराबर है। तुलसी का पत्ता बड़ा हो या छोटा, मान बराबर है। और अगर जो तुलसी के पत्ते में जो भेद करता है, आप समझ सकते हैं कि कितने ज्ञानवान हैं। सभा पटल पर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, करनी कथनी में समरूपता है, तो सभा पटल पर दोनों प्रतिवेदन को रखें और इस पर एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए। पारदर्शिता के साथ बिहार की जनता देखे कि सचमुच में भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं लोग या सत्ता के आर में भ्रष्टाचार को पोषित करना। या को संविधान का शपथ लेने वाले संवैधानिक संस्थानों का सम्मान करे और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में पूरी प्रमाणिकता और तथ्य के साथ बात करे। और अगर जो ऐसा नहीं करते हैं, ये गुल्ली डंडा खेलने वाले लोग फिर संवैधानिक पद के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। चाहे वो सीएजी का मामला हो, स्पेशल कमेटी का मामला हो, ये सारे चीजों को विधानसभा के सत्र में लाना चाहिए। और क्यों पर्दा लाना है, किसके लिए पर्दा कर रहे हो, किसको बचाना है? रिपोर्ट लेआउट करोगे तभी तो जनता कहेगी कि ये काम हुआ। जिस तरह लोकतंत्र संसार हुआ था पिछले दिनों विधानसभा के अंदर, उसका भी रिपोर्ट आना है। तो पूरी तरह मैं महागठबंधन के लोगों को स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि आप कल विधानसभा में इन पूरे चीजों को लेआउट से सारे चीजों का जवाब देने का काम करें।